हेलो दोस्तों मेरा नाम निशित मातो और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं ला रहा था मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो जो रिंग फिंगर का मेटाकार्पल्स बोन था वो टूट गया था पूरा पूरी तो अभी दो तीन महीनों बाद वीडियो लेके आ रहे हैं तो अभी हम तो वीडियो नहीं बना पाएंगे तो मेरे साथ फोरेस ग्रोप है जो मेन फिजिक्स में अभी ग्रीडी से सेकेंड प्लेस मिला था तो आज इनके साथ वीडियो बनाने वाले हैं और आपका ऐप्स को देख रहे हैं ऐप्स को लेके आज वर्कआउट बताएंगे आप लोग को कैसे ट्रेन करने से जल्दी आप आप लोग का फैट घटेगा और ऐप्स आप सिक्स एप्स ला सकते हैं तो वीडियो में बने रहिए हम लोग वार्म अप से स्टार्ट करेंगे तो पहला हम लोग वार्म अप रहेगा उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि एप्स का कैसे एक्सरसाइज करने से जल्दी फैट बर्न होगा तो स्टार्ट करिए पहले आपको वार्म अप करना है उसके बाद ही आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे पहले पूरी तरह अपना बॉडी को जो है अपना थोड़ा वार्म अप कर लीजिए उसके बाद ही स्टार्ट करना है कुछ भी एक्सरसाइज करिए और ये जो एक्सरसाइज आज बताने वाले हैं बहुत जल्दी आपका फैट घटेगा बहुत बढ़िया हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं कोर मसल को लेके इसीलिए सब वार्म अप करवा रहे हैं ताकि आपका जो भी है आप कोर मसल को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं तो आप उसके लिए एक्सरसाइज वार्म अप भी ज्यादा करिए ताकि वो थोड़ा ये एक्टिव हो जाए वहाँ का मसल कोर मसल उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे है ना चल हो गया हाँ थोड़ा अपर अपर से स्टार्ट करो हम्म वार्म अप करना बहुत जरूरी है दोस्तों वार्म अप नहीं करेंगे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर दिए कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि वार्म करना बहुत जरूरी है हम्म मुक्त रहत दोनों साइड क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दोनों साइड गुड कम ट्विस्ट करो ज़्यादा नहीं आप अगर दो तीन महीने अच्छा से आप एप्स ट्रेन करेंगे ना जो एक्सरसाइज आप बताने वाले हैं तो आपका बहुत जल्दी फैट बर्न होगा और आप आपका भी एप्स आ सकता है गुड तो हम लोग का ऑलमोस्ट वार्म अप कंप्लीट हो गया तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे लेग राइज से चलिए वीडियो में बना रही है पहला जो एक्सरसाइज है लेग राइज और लेग राइज कैसे टेक्निक से मारे लेग राइज बहुत कोई मारता है सिर्फ नॉर्मल लेग राइज मारता है लेकिन आज जो बताने वाले हैं वो थोड़ा हटके एक्सरसाइज है और थोड़ा इसमें बहुत जल्दी आपका एप्स आने वाला है तो स्टार्ट किया जाए चलो चौंक देखिए कैसे मारवा है वन चौं चलो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ होल्ड देखिए यहाँ से होल्ड करना है यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहां से डायरेक्ट ऊपर आना है ठीक है ऊपर लेके आना है फिर आपको तो चलो टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन हो तो देखिए कैसे करा है ऐसे करेंगे तो आपका और इसका तीन चार सेट कम से कम लेना है आपको आप अगर बिगिनर्स हैं न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आप रैप्स कम रखिए टेन टेन फाइव फाइव करके और अगर आप पुराने हैं इंटरमीडिएट तो आप ज़्यादा रैप्स रख सकते हैं अपने हिसाब से रैप्स रख सकते हैं तो इसके साथ हम लोग माउंटेन क्लाइम लेंगे तो इसके साथ माउंटेन क्लाइम अगर लेंगे तो ज़्यादा हीट करेगा आपका कोर मसल को तो। चलो तो दोस्तों लेग राइज के साथ अभी हम लोग को माउंटेन क्लाइम करना है तो प्रेस करके बताइए बहुत बढ़िया देख रहे पोस्चर एकदम सही रखना है बैक देख रहे हैं इनका और आपका इसमें रैप्स मोटा मोटी आप एक तो मान के चलिएगा उसमें फिफ्टी फिफ्टी करके रैप्स रखिएगा ताकि कोर मसल को ज्यादा हिट करे और इसके साथ तुरंत तो फिर लेग राइज करना आपका कम से कम तीन से चार सेट लीजिएगा इसका पूरा कोर मसल का आपको टारगेट करेगा ओके स्टॉप जिसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज हैंगिंग राइज चलिए तो दोस्तों अभी हम लोग करने वाले हैं हैंगिंग लेग राइज तो उसके साथ हैंग... आपका साइड भी रहेगा ठीक है तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखिए कैसे मारा जाता है चलो क्यों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन क्यों साइड चलो देख रहे हैं कोर मसल देख रहे हैं कैसे टारगेट कर रहा है बहुत फाइव फाइव मारना गुड आप रैप्स बढ़ा सकते हो आप अगर इंटरमीडिएट हो आप अगर आपका अगर, अगर उतना क्षमता है करने का तो आप रैप्स बढ़ा सकते हो हम बस आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि पाँच आप रैप्स कितना लेना है अभी तो हम लोग कम कम बता रहे हैं पाँच टू तो दस टू तो करके ओके स्टॉप नीचे आओ आप देख रहे हैं मसल कैसा आप ये एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपका मसल आएगा ही आएगा और प्लस आपको

चो देख रहे हैं कोर मसल कैसे टारगेट कर रहा है आपका पूरा कोर मसल पे आएगा और आपका लोअर एफ बहुत जल्दी आ जाएगा आप अगर एट आप कम से कम दो तीन महीने अगर ट्रेनिंग ट्रेनिंग अच्छा से देते हैं क्या हो बहुत बढ़िया क्या ये देखिए आपका साइड का रिप्स भी इसमें पूरा कोर मसल टारगेट करता है ये नहीं कि लुअर खाली टारगेट होता है पूरा कोर मसल पे आ जाता है बहुत बढ़िया चलो स्टॉप ये हम लोग का था लास्ट एक्सरसाइज आप ज्यादा नहीं चार एक्सरसाइज आप रखिए आपका वर्कआउट जो भी है शेड्यूल चेस्ट बैंक चेस्ट है बैक है वाइसअप्स वगैरह कुछ भी आपका एक्सरसाइज रहता है लास्ट में आप लीजिए और जब एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद कोर मसल को टारगेट करिए और उसके बाद लास्ट में जो एकदम लास्ट में कम से कम पाँच से दस मिनट रनिंग स्प्रिंट लगाना है देखिए आपका कोर मसल पूरा प्रॉपर तरीका से ट्रेन हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका फैट बर्न हो जाएगा दोस्तों और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाय